आर्थिक तंगी के चलते लोगों की छटनी ने जहां पूरे देश को जकड़ा हुआ है, वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में अब मनरेगा योजना भी इससे अछूती नहीं रही है। गरियाबंद में लोगों के रोजगार का एकमात्र जरिया मनरेगा अब खुद ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। विभाग की आर्थिक तंगी का असर वहां काम करने वाले कर्मचारियों पर दिखने लगा है। विभाग ने सालों से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को काम नहीं होने का हवाला देकर नौकरी से हटाने का फैसला लिया है। अकेले देवभोग मनरेगा कार्यालय से 15 और पूरे जिले की बात की जाए तो 50 से अधिक अस्थायी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को नौकरी से निकाला गया है। 10 सालों से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे युवाओं को अचानक निकाले जाने से उनके सामने एक बार फिर रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इस पर जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। जिले में मनरेगा कार्यों की बात की जाए तो फिलहाल मनरेगा के काम बिल्कुल ठप पड़े हैं। गिनी चुनी पंचायतों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पंचायतों में फिलहाल मनरेगा का कोई काम संचालित नहीं हो रहा है। हम लोग जनपद पंचायत देवभोग में नरेगा में डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करते थे। पूरे जिले में 60-70 ऑपरेटर थे जो जनपद कार्यालय से उनको भारमुक्त कर दिया गया है। और कब से कर रहे थे? हम लोगों को लगभग भी 10 साल से ज़्यादा हो चुका है। 1 जुलाई 2009 से काम कर रहे थे, 10 साल लगभग हो गए। हमारे और भी भाई हैं जो 12 ऑपरेटर थे, उनको भी निकाल दिया गया है। अब मानसिक भी प्रताड़ना टाइप से हो रहा है, क्योंकि आर्थिक अभाव में, बजट के अभाव में करके बोल रहे हैं और हम लोग को निकाल दिया है 12 ऑपरेटर को यहाँ से, जनपद पंचायत नरेगा से। देवभोग से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता गिरीश सोनवानी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते।